यो 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 गाइस, वेलकम आप सभी का WWE 2K23 की एक और ब्रांड न्यू वीडियो में। आज का हमारा मैच हमेशा की तरह बहुत ही ज्यादा स्पेशल होने वाला है, क्योंकि आज हम करने जा रहे हैं कस्टम मैच जिसमें होने वाले भाई रोमन एंड सोलो वर्सेस कोडी एंड जे उसो। तो अपने मेन इवेंट जे उसो भी होने वाले भाई, अपने अमेरिकन नाइटमेयर भी होने वाले हैं, अपने ट्राइबल चीफ और अपने सोलो सिकोवा भी होने वाले हैं। तो ये चारों बंदे भाई, इनको आपस में भिड़वाने वाला हूँ। वैसे तो आपस में नहीं, वैसे तो ये टैग टीम में ही हो रहा है मैच, आपस में बोलना थोड़ा गलत हो जाएगा। तो रोमन और सोलो की टैग टीम भिड़ेगी अपने कोडी रोड्स और जे उसो की टैग टीम से। देखते भाई किसकी टैग टीम बढ़िया है, कौन जीतेगी। फटाफट से करते हैं पहले तो मैच को इधर स्टार्ट। और जब तक मैच स्टार्ट हो रहा है भाई, आप लोग कर दो फटाफट से वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को कर देना ऑल पे, ताकि जब भी मेरा नया वीडियो आए तो आपको पता लग जाए भाई। बाकी देखते हैं इधर रोमन और सोलो की टैग टीम जीत पाएगी और कोडी और जे को हरा पाएगी या फिर नहीं। कोडी को उनका नया फ्रेंड मिल चुका है भाई, अमेरिकन नाइटमेयर। लो जी, एजी फैमिली रेसलमेनिया बैकलैश के अंदर इसी के साथ अपना मैच भी हो चुका है इधर चालू, रोमन एंड सोलो वर्सेस कोडी एंड जे। देखते हैं भाई किसकी टैग टीम इधर जीतेगी। दोनों कैप्टन से लोगों ने मैच को स्टार्ट कर दिया इधर, एक दूसरे को मारदम इधर स्टार्ट कर दिया। कोडी ने अपना भाई इधर जहर भी चखा दिया है ट्राइबल चीफ को, जो कि होने वाला है क्रॉस रोड्स। कवर की कोशिश 1-2 and 2 पे किक आउट बाय ट्राइबल चीफ की तरफ से। ट्राइबल चीफ के पास भी है भाई जहर का, उसका तोड़ भी है, वो आप लोगों को पता है ट्राइबल चीफ का तोड़ क्या है, स्पीयर। ठीक है, कोडी ने इधर दूसरी बार चगा दिया भाई क्रॉस रोड्स, क्या बात है। 1-2 and 2 पे किकआउट, रोमन को भाई बहुत ही ज्यादा रेड हेल्थ में ले जा दिया इधर। और एक और फिनिशर लगा तो भाई डेड लाइन में चले जाएंगे रोमन, हो सकता है एलिमिनेट भी हो जाए। तीसरा फिनिशर भाई, कोडी ने रोमन को एलिमिनेट कर दिया भाई, ये क्या देखने को मिल रहा है इधर। आते ही रोमन चला गया, सोलो का क्या होगा बहुत ही ज्यादा गलत सीन हो गया भाई, बहुत ही ज्यादा गलत सीन हो गया। कोडी का सोचा नहीं था भाई इतनी जल्दी बाहर कर देगा रोमन को यार, क्या बात है भाई। वैसे अपना सोलो से अभी कम नहीं है गाइस, गोलू बोलू स्टार, तीन तीन फिनिशर है इसके पास, तीन तीन समोन स्पाइक। और अपने मेन इवेंट जेवसो को भी मौका मिलना चाहिए थोड़ा सोलो को मारने का, ठीक है, क्योंकि इनका थोड़ा पुराने रिश्ते नाते भी है। तुम लोगों को बताया, ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है भाई, तुम लोग हार्ड कोर WWE फैंस है अपनी एजी फैमिली, तो स्टोरी लाइन्स को जानती है कि पिछले पिछले क्या क्या है इनके आपस में कनेक्शन, ठीक है, इसलिए मैंने मैच भी करा है। ओके, समोन स्पाइक भाई कोडी रोड्स को इधर, रेड लाइन में आ गया भाई इसी के साथ कोडी रोड्स, जे को बचाने आना पड़ेगा। अरे जे बचाने में नहीं आया, इतना कॉन्फिडेंस भाई, कोडी को विश्वास था कि वो किकआउट कर देगा ये वाला समोन स्पाइक वाला पिन। ओके, सोलो मेरे भाई एक और समोन स्पाइक दिखाना पड़ेगा आपको इधर, लेट्स गो। टीम ब्लड लाइन को जिताना है भाई, अपने ट्राइबल चीफ तो होली है बाहर। ओके, ये रशियन लेग स्वीप जैसा नहीं लगता, बस उसको उल्टी तरीके से मारते थोड़ा, कोडी बढ़िया लगता है भाई देखने में। ले भाई कॉर्नर में पहुंचा दिया इधर सोलो सिकोवा को। और मेन इवेंट जे उसो भी आ चुके हैं भाई, दोनों की तरफ से डबल टैग टीम मूव। ओ भाई शोल्डर टैकल मारा भाई, डबल शोल्डर टैकल वो भी। ओके, ओ भाई मेन इवेंट जे उसो, अरे अरे स्टन कर दे। ओ भाई बहुत बढ़िया, कोडी की तरफ बहुत ज्यादा हेल्प कर दी जे उसो ने। ओके, अभी ऑफिशियल कौन है? ओके, जे उसो ऑफिशियल है भाई रिंग के अंदर, जब भी जे उसो इतना मार रहा था। कम ऑन जे, ये तो फिनिशर लगाने का मौका है यार, वेस्ट मत करो यार। जे क्या कर रहा भाई, नॉर्मल मूव क्यों मार रहे भाई, फिनिशर लगाओ, सुपर किक मारो या उसो स्प्लैश कुछ भी। लेट्स गो मेरे भाई, समोन स्पाइक, क्या हमें जे की तरफ से समोन स्पाइक देखने को मिलेगा। ले भाई दूसरे समोन को, उन्हीं का फिनिशर और जी के साथ मैच भी खत्म हो गया भाई। ये तीन चार गेम प्ले से मैं नोटिस कर रहा हूँ सोलो सिकोवा के साथ, कि भाई अपना ही समोन स्पाइक खा के वो एंड में हरवा देता है टीम ब्लड लाइन को। यार रोमन और सोलो की ब्लड लाइन में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है भाई, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। या तो मेरे को सोलो को फिनिशर चेंज करना पड़ेगा, वरना रोमन अपना टैग टीम पार्टनर चेंज कर लेगा भाई। इसके साथ कोडी रोड्स एंड जे उसो ने मैच को इधर जीत लिया रेसलमेनिया बैकलैश के अंदर। आप लोगों को कस्टम मैच कैसा लगा मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हो। और कोडी जे की टैग टीम आगे अच्छा खेल भी सकती है भाई, अगर ये WWE ऑफिशियली तो नहीं, स्टोरी लाइन वाइज थोड़े टाइम के लिए इन दोनों की टैग टीम बना दे। और अभी तो वैसे भी इनका फास्ट लेन में मैच भी होने वाला है भाई, अपने फिन बैलर और डेमियन प्रिस्ट से टैग टीम टाइटल्स के लिए। आई होप ये दोनों बंदे उधर टैग टीम चैंपियंस भी बने, वैसे ऐसा होगा तो नहीं पर हो जाए तो बहुत बढ़िया। बस अभी के लिए इतना ही था, अभी के लिए मैं चलता हूँ, मिलेंगे आपको एक और एक्साइटिंग ब्रांड न्यू वीडियो में। एंड जब तक अपना ख्याल रखो, टाटा गुड बाय, टेक केयर, बाय बाय।